हम लोग यही धरना स्थल पर गर्दी निभाग आए हैं यहाँ अपना हक के लिए कि ताकि सरकार हम लोग को समायोजन करे, इसके लिए हम लोग धरना कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग। पाँच हज़ार 51 रुपये का चेक दे करके ट्रेनिंग कराए नीतीश कुमार ही कराए, मैंने हॉस्पिटल द्वारा सरकारी व्यवस्था के द्वारा एक साल ट्रेनिंग किए। एक साल ट्रेनिंग के बाद बीच में 2 साल गैप हो गया, उसके बाद परीक्षा लिया और परीक्षा भी इतना अच्छा लिया, इतना हार्ड लिया, शायद MBBS का भी परीक्षा ऐसा नहीं होता है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 से मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार के तमाम 38 जिलों से 38 दिन का अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो अभी भी जारी है ग्रामीण चिकित्सकों द्वारा। किस जिले से आज ग्रामीण चिकित्सक आए हुए हैं, समस्या हम जानेंगे, समस्या वही है या फिर समस्या कुछ नई अभी उभर कर सामने आई है। तो सबसे पहले आप अपना नाम और पद बताइए और जिला बताइए कहाँ से आए। नाम गुणानंद विश्वास, पूर्णिया जिला से हैं। पूर्णिया जिला, मतलब आज पूर्णिया जिला का हड़ताल है। पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, तीन जिला का, तीन जिलों। अच्छा जी, पिछले लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया, 30 तारीख से लगा हुआ था ये अनिश्चितकालीन हड़ताल का, जो 30 तारीख से आप लोग कर रहे थे, क्या अभी तक कोई सुनवाई या सरकार की तरफ से या फिर कोई देखने अभी तक आया है? अभी तक तो कोई नहीं आया है। अभी तक कोई नहीं आया, कोई आगे आएंगे? आना तो चाहिए, आश्वासन आश्वासन दिए हैं कि LB सर आएंगे। 38 दिन का जो अनिश्चितकालीन हड़ताल आप लोगों का है, अगर निष्कर्ष नहीं निकलता फिर अगला कदम क्या होगा? फिर जारी रहेगा हम लोगों का आंदोलन, जारी रहेगा। हम लोग यही धरना स्थल पर गर्दी निभाग आए हैं यहाँ अपना हक के लिए कि ताकि सरकार हम लोगों को समायोजन करे, इसके लिए हम लोग धरना कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग। अच्छा, 2013 या 14 में नीतीश कुमार जी ने श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आप लोगों के लिए ही आश्वासन दिया था आप लोगों को, और साथ में ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने उसी के भरोसे उनको जितवाया भी था। मतलब ये संस्था में जुड़े थे और पाँच हज़ार 51 रुपये का चेक दे करके ट्रेनिंग कराए नीतीश कुमार ही कराए, मैंने हॉस्पिटल द्वारा सरकारी व्यवस्था के द्वारा एक साल ट्रेनिंग किए। एक साल ट्रेनिंग के बाद बीच में 2 साल गैप हो गया, उसके बाद परीक्षा लिया और परीक्षा भी इतना अच्छा लिया, इतना हार्ड लिया, शायद MBBS का भी परीक्षा ऐसा नहीं होता है जो परीक्षा हम लोग से लिया। क्वालिफाइड होकर के बाद जब तक हम लोग को मार्कशीट भी मिला है, एग्ज़ाम देकर पास होकर सब कुछ जितनी कड़ियाँ होती है सबसे पास होकर आप आए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ बैठना पड़ रहा है। हाँ, कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना काल में ग्रामीण चिकित्सकों की जो भूमिका थी वो सबसे अहम रही थी, हम जानते हैं। अहम नहीं रही थी, सरकार के आदेश पर हम लोग वैक्सीनेशन भी किए थे, बोला कि इसके वजह से आप लोगों को जो है 400 का बात बताया था वो भी मिलेगा, उसका भी काम किया, उसका भी पर्ची है हम लोग पास, लेकिन पैसे भी नहीं मिला है, ना ही हम लोग को समायोजन किया है, सिर्फ आश्वासन। दूसरा, तारीख तो खुल के नहीं कहा है लेकिन आश्वासन दे रहा है। कभी LB बाबू आते हैं, कभी श्रीनिवास बाबू आ जाते हैं, मोबाइल पे व्हाट्सएप में बोल दिए डॉक्टर, हाँ हम सरकार के साथ हैं। तो क्यों नहीं असर पड़ेगा सर, बताइए। 12 बजे रात में अगर ज़रूरत पड़ता है, अगर किसी रोगी को पेट में दर्द होता है तो हम उनके घर में उठकर जाते हैं, तो कैसे नहीं असर पड़ेगा सर? मना कर देंगे वोट डालने के लिए कि नहीं इन लोगों को दिया जाए, जब हम लोगों की बात नहीं सुनेगी तो हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग तो वोट का बहिष्कार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, तो आत्मदाह से आपका हक मिल जाएगा? हमारा अगर हक नहीं मिलेगा तो हमारे आने वाला पीढ़ी जो है उनको हक मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा सर हक? ये तो एक तरह से ये कह सकते हैं ना कि आज़ाद भारत में आज भी क्रांतिकारी जिंदा है ग्रामीण चिकित्सक के रूप में। हाँ है, क्रांतिकारी अब भी जिंदा है और आगे भी रहेगा जब तक भारतवर्ष रहेगा, ये तय है। यहाँ पर अलग चीज़ यही है कि उस समय अंग्रेजों के गुलाम थे, अभी अब सरकार के गुलाम बन जाना पड़ता है। जैसे सरकार चल रही है ये सरकार के गुलाम मान रहा है कि हम जो कहे वही, हम जो 9 साल से घुमा रहे वही घूमे, तो अब ग्रामीण डॉक्टर घूमने वाले ना, शिक्षित ग्रामीण डॉक्टर वो अशिक्षित नहीं, परीक्षा दे करके पास भी हुए हैं, 30,000 में 21,000 पास हुआ है, 9,000 वैसे गए। तो अब ये करने के बावजूद भी सरकार ना सुने तो सरकार के खिलाफ जाना पड़ेगा, मजबूरी है। अगला सर जो जिस पार्टी से संपर्क होगा देखा जाएगा कि हम लोग का अगर सेवा भाव लिया जाए तो हम लोग भी सरकार के सेवा भाव में तैयार हैं, तन मन धन से अपने सहयोग के लेकर के, अपना ग्रामीण जितना अपना क्षेत्र में है सबको लेकर के सरकार के साथ है। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम करेंगे कि अगर
यहाँ पे आपका निष्कर्ष नहीं निकलता है क्या, तो फिर आपका अगला कदम क्या, आप आवास को घेरने का होगा, कार्यालय को घेरने का होगा, या फिर यहीं से घर सीधे? अभी एक तो सूचना मिला है कि एलबी सर आज आ रहे हैं यहाँ धरना में सहयोगी करेंगे, वो जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के हैं और हम लोग भी जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं। और बाकी आज जो एक तो सूचना मिला है पेपर के माध्यम से, बोले आज आ रहे हैं, तो अब देखिए क्या होता है। सरकार अगर मान लेती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो एक धरना महाधरना होगा और दूसरा धरना हम लोगों का वो जो समाधान यात्रा है हम लोगों का बहिष्कार यात्रा चालू होगा, ये तय। हाँ, सब ग्रामीण डॉक्टर दिल में ठान चुके हैं, ग्रामीण डॉक्टर जिंदाबाद, ग्रामीण डॉक्टर जिंदाबाद। तो इस वक्त मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर और अनिश्चितकालीन हड़ताल ग्रामीण चिकित्सकों द्वारा अभी भी जारी है। अभी थोड़े कम संख्या में यहाँ पर ग्रामीण चिकित्सक आए हुए हैं आप देख सकते हैं, लेकिन समस्या वही है, निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है। बस आश्वासन दिया जा रहा है कि मिलेंगे मिलेंगे और समस्या का जो है हल वो निकालेंगे। अब देखना यही है कि कब तक समस्या का हल निकलता है और कब ग्रामीण चिकित्सकों की होड़ यहाँ पर कम लगनी शुरू होती है या फिर खत्म होती है। तो ये थी आज की रिपोर्ट, बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहे News24। मैं नंदन अपने सहयोगी वेद के साथ, धन्यवाद। We'll be right back.